कि आप लगता है कि आप उन्हें समझा पाएं कि आप पाकिस्तानी एजेंट नहीं हैं? मैंने सच तो बोला, अब समझा पाए या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी, उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम जी। जी जब आप जब जहाँ चलती कहते हैं बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर उसने लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, न ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी, अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो मैंने जो सच था वो बोला है, अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान, आपको भी अगर भेजा गया तो ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव यकीन है मुझे, भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है, तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू, पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे, वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था, पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी, वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे, वो ज़ाहिर है खुद को बचा। नहीं बिल्कुल, मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे, हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, दो मना चुकी हूँ मैं पीछे, वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है, एक लाल साड़ी थी एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने दो साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो, हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है जी। हम लोग यही, हमारी जाँच चल रही थी सर, इसी कारण जी। बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है, और मुझे भरोसा है ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। मैंने उसे होटल वाले को सब नाम बताया था, मैंने कहा था कि आधार कार्ड भी ले लो, तो उन्होंने अनोखे दी थी आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मुझसे ये पूछा था कि तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है, मैंने बोला था मैं इंडिया दहली से आया हूँ और कि इंडिया दहली से आया हूँ और बस ये पूछा था और ये बताया था, मैंने बोला था आधार कार्ड फादर कार्ड तो नहीं चाहिए, तो उसने बोला नहीं आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं और नाम पूछा था बस मेरा, तो आधार कार्ड नहीं मांगा था, अब ये पता नहीं उसने नाम लिखा हो या ना लिखा हो, और ये क्या कि मैं उसको रोजीना 12 बजे के बाद रोजीना पैसे दे देता था रूम के, 500 रुपये नेपाली रुपये में पैसे दे देता था। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो है चार फोन थे सीमा के पास, चार फोन किस तरह के थे? चार फोन थे, वो बच्चों के भी थे और इसके भी थे, एक से हम दोनों बात करते थे और बच्चे जो रोते थे वो के फोन दो, हमारी तो कॉल 24 घंटा चली रहती थी, जब फोन बीतता था जब ही थोड़ा शांत मिलते रहते थे फोन, तो ये हॉटस्पॉट दे के बच्चे चलाते रहते थे। आगे के देखते हैं क्या होता है, अभी तो हम आगे की खैर, हम खैर भगवान तो है नहीं कि आगे की देख लें कि क्या आया आगे क्या होना। क्या सर? रखी थी करवा चौथ, तो वो इंस्टाग्राम में टिकटॉक में वीडियो भी पड़ी है करवा चौथ की। सर देखिए मैं खैर, ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पर, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे और मेरी घरवाली है, ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहें। पूछताछ यही हुई थी कि कैसे आए थे, कैसे गए थे, कब से बात हुई, कहाँ मिले, कैसे हुई, यही जानकारी हुई थी, यही पूछ रहे थे। पढ़े तो पढ़ेंगे क्या? घर पर आ गए थे हम पूछताछ के बाद। क्या? नहीं मना तो नहीं किया था, खैर क्या कि मैं हम खुद हमारी तबीयत गले वाले से हमारी खुद तबीयत खराब हो गई थी।